वेलकम टू माय चैनल गाइस। जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो हम डिस्कस कर रहे थे जी पीएचपी के बारे में। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि पीएचपी क्या चीज़ है, ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये कैसे वर्क करती है। तो हम पीएचपी को डिस्कस कर रहे थे गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइस पीएचपी को हमने स्टार्ट किया था, हमने देखा था कि पीएचपी कैसे वर्क करती है, ठीक है, पीएचपी क्या है, प्री प्रोसेसर, हाइपर टेक्स, ठीक है, ये चीज है पीएचपी, ठीक है, और ये वर्क किधर होती है। मैंने आपको बताया था कि ये वेब के वर्क के अंदर यूज होती है, ठीक है, जहाँ पे आपका काम वेब से रिलेटेड होता है, वेब सर्वर से रिलेटेड, मतलब जो आपका बैकएंड से रिलेटेड वर्क होता है उसके ऊपर ये आपकी पीएचपी वर्क करती है, ठीक है। ये डाटा को फेच करने में, ठीक है, डाटा को डिलीट, अपडेट, ठीक है, इंसर्ट करने में आपको हेल्प करती है। ये बेसिकली बैकएंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो गाइज आज हम जो इसका चीज देखने जा रहे हैं वो आज हम इसकी इंस्टॉलेशन देखने जा रहे हैं कि ये इंस्टॉलेशन आप इसकी कैसे करेंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन गाइज इसकी बहुत इजी है। इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, ठीक है, गूगल पे जाके आपने टाइप करना है जैम्प, ठीक है। जैम्प सर्वर हम इस पार्टिकुलर चीज के लिए यूज करेंगे। और एक और आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर, दैट इज सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, क्या ये आप दो चीजें डाउनलोड कर लेनी है इसके लिए, ये चीज़ है इसके लिए जरूरी है। जैम सर्वर हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सारा काम लोकल होस्ट के ऊपर होगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कनेक्शन कैसे बनाना है और वो सब कुछ कैसे होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्योंकि हम वेब का काम स्टार्ट किया है, तो पीएचपी के साथ जब हम एचटीएमएल और सीएसएस को इंक्लूड करेंगे और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोज हैं वो आगे उसी वेब से रिलेटेड रहते हैं, रिलेटेड है कि डाटा किस तरह आपका फॉर्म के जरिए बैकएंड में जाता है और फिर बैकएंड से आप वापस उसको डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है, अपने पास। तो गाइस इसके लिए आपने जैम सर्वर डाउनलोड कर लेना है, मुख्तलिफ वर्जन मौजूद है, ठीक है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो 32 बिट को इंस्टॉल कीजिए, अदरवाइज 64 है तो उसको इंस्टॉल कीजिए। सब लाइन टेक्स एडिटर ये कोई बहुत हैवी सॉफ्टवेयर नहीं, बहुत इजी से सॉफ्टवेयर है, आपने जस्ट डाउनलोड कर लेना और फिर मैं आपको इनका इंटरफेस भी दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करते हैं। ये गाइस जो मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आपको ये नजर आ रहा हो तो ये गाइस आपके पास जैम सर्वर का इस तरह इंस्टॉलेशन है। और जैम सर्वर की इंस्टॉलेशन कैसे ऐसी होती है, ठीक है, इसके अंदर ये जब आप इसको डाउनलोड करते हैं जैम को, तो इस तरह का इंटरफेस जब आप उसको रन करेंगे तो इस तरह का फेज आता है, ठीक है, इस तरह का ये डायलॉग बॉक्स आता है। तो ये कैसे चलता है ये मैं आपको इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको बताऊंगा। आपने जस्ट इस अपाचे को इधर से स्टार्ट करना होता है, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट किया, और इधर से माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। ये जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये बेसिकली आपको क्या करता है, एक कनेक्शन देता है, ठीक है, और फिर उसके अंदर हम वेब का अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है, कोड को कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे, कोड वगैरह की, ठीक है, कोड को कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इसके अंदर। गाइस जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जब आप जैम सर्वर को डाउनलोड करेंगे ना, जिस भी आप कोशिश करें कि इसको आप सी ड्राइव, उस ड्राइव के अंदर रखें जिसके अंदर आपका विंडोज हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर गाइस बताइए कि जिसके अंदर आप डाउनलोड करेंगे ना, लेट सी कि मैंने आप डाउनलोड किया हुआ है ई के अंदर, मैं आपको शो भी करवाता हूँ, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है ई डायरेक्टरी के अंदर, ये देखें ये मेरे पास ई डायरेक्टरी के अंदर मैंने डाउनलोड किया हुआ है। और ये मैंने किधर डाउनलोड किया हुआ है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने सॉरी इसके अंदर ई डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, मेरे पास ये पड़ा हुआ है डी डायरेक्टरी के अंदर, यस डी डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये जैम्प है और ये सब लाइम टेक्स्ट एडिटर है, दोनों को मैंने इंस्टॉल किया। जब आप इस जैम्प पर जाएंगे तो ये गाइस आपने जो भी फाइल बनानी होगी, ठीक है, न्यू फाइल फोल्डर बनाना होगा, वो आपने इस फोल्डर के अंदर, जैम्प के फोल्डर के अंदर आपके पास एक होता है एच टी डॉक्स, इसके अंदर आप अपनी फाइल्स वगैरह बनाते हैं, जिस तरह ये मेरे आपको फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इस फोल्डर्स के अंदर आप फाइल बनाते हैं, फिर इधर से इजीली आपको ना अपना डाटा को जब आप लोकल होस्ट पे शो करवाएंगे गूगल के क्रोम के ऊपर ब्राउजर यूज करके कि आपने जो चीज कोड के ऊपर लिखी है वो डिस्प्ले हो, तो फिर हम इससे इस एच टी डॉक्स के अंदर, ठीक है, हम फाइल अभी अपना फोल्डर बनाते हैं और फिर उस चीज से हम उसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये गाइज आप इसको प्लीज इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये सिंपल सी इंस्टॉलेशन है, ठीक है। जैम की आपने जस्ट गूगल के ऊपर टाइप करना है जैम सर्वर, ठीक है, जब आपका जैम सर्वर टाइप हो जाएगा उसके बाद आपने इसके साथ ही सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी डाउनलोड कर लेना, और ये बहुत इजी सा है, ठीक है। और ये जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसको रन करना कैसे और इसके ऊपर कैसे कनेक्शन बनाना है, अभी हम कनेक्शन की तरफ तो नहीं जाएंगे, अभी हम जस्ट कोड को राइट करेंगे पीएचपी, क्योंकि हमने स्टार्ट किया तो हम उसको राइट करके देखेंगे कोड उसके अंदर कैसे एग्जीक्यूट होता है और क्या सिंटैक्स के अंदर डिफरेंस है।
तो ये गाइस बस आज की वीडियो थी, इसमें आपको बस जस्ट ये इन्फॉर्म करना था कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। आई होप सो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बकायदा इसके ऊपर कोड को एडिट करके और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करते हैं।